हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिजिक्स के लगभग 22 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, चाहे वो किसी चीज का एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस या आईआरटी एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम हो आपके साइंस का। ये फिजिक्स का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करता हूँ जो कि 71 से शुरू करके 92 तक समाप्त होगा। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन, कह रहा है कि यदि सामान्य पानी में कोलियंडर डाल दिया जाए तो वो डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडर डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको बता देते हैं कि जब भी आप ये छोटी मोटी प्रैक्टिकल है आपको कर लेनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि एक अंडा 6 रुपया का मिलेगा, अगर पानी में उबाल कर नमक डालकर देख लीजिए, खुद तैरेगा। हम तो डेली प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन तैरेगा तो क्यों तैरेगा, आप देख करके बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए आप इसको बताते हैं। ऑप्शन नंबर वन में दिया है कि अंडा पूरी तरह से डूब जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। अंडा पानी के बर्तन के बीच में रहेगा, ये भी गलत है। अंडा कभी डूब जाएगा कभी तैरेगा, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन जो है डी नंबर का है कि अंडा पानी पर तैरता रहेगा, यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी नंबर सही है। अब क्यों तैरेगा, क्योंकि नमक डालने से जो है अंडे का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा हो जाएगा, जिसका घनत्व ज्यादा हो जाता है वो तैरने लगता है। ये आपका सीधा सा फंडा है। जैसे पानी में भी तेल डालेंगे तो तेल हल्का होता है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो तैरने लगता है। ठीक, तो आगे बढ़ते इसी साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। ये ऑप्शन जो है समस्या वाली है, आपको बताना है। ये भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पानी तो घर पे होगा ही, कोई साधु भाई अगर आपके अल्कोहल पी रहे होंगे तो उनसे ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते इसी के साथ ऑप्शन नंबर वन में दिया है कि पानी अल्कोहल की अपेक्षा प्रदर्शी तो है, प्रदर्शी होने से कोई मतलब नहीं है। बर्फ पानी में जमने से बनती है, ये भी गलत है। कह रहा है कि बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, तो अरे भाई तो पानी भी तो द्रव है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कह रहा है कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए जो चीजें हल्की होती है वही ऊपर तैरती है। ठीक, कभी देखिएगा हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, तो खुलते ही फुर ऊपर हो जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 73 नंबर। कह रहा है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों, क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ये गलत बात है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें कोई वस्तु डूब, हर चीज कोई ना कोई ऐसी है जो डूब जाती है। पारे के घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है, स्टील के घनत्व पारे के अपेक्षा अधिक होता है, तो गोली तैर नहीं सकती, आपका ये ऑप्शन जो है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, तारे का घना तो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तो आगे बढ़ते इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का है 74 नंबर कि जब कोई नाव नदी से समुन्द्र में जाती है तो क्या होता है, थोड़ी ऊपर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, थोड़ी अपरतित रहती है, या ऊपर उठने डूबने नाव के बजाय निर्भर करता है। तो हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा थोड़ी ऊपर उठ जाती है, ये नदी है और ये समुन्द्र है, जब यहां से यहां जाएंगे तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। समुद्र का घनत्व ज्यादा होता है और खारे पानी का भी घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए उसमें ऊपर उठ जाती है। ठीक, इसे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा फंडा है, ऑप्शन वाइज है, याद कर लीजिएगा, आपको मिलेगा चुटकी बजा के। अरे कि पानी के घनत्व अधिकतम होता है कितने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 केल्विन पर, -4 डिग्री फारेनहाइट पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखिए आपको इसमें एक और फंडा बता देते हैं कि जब भी पानी का हो, पानी 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन घटता है, 0 से 4 तक घटता है। ठीक, और 4 के बाद जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, तो ये आपका एक अपवाद टाइप का है, ये याद कर लीजिए, 0 से 4 तक घटता है। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, क्या, तो आयतन तो बदल ही जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान तो मात्रा को बदलेंगे, तो मान लीजिए 5 किलो है तो 1 किलो बढ़ा देंगे, 6 किलो तो 6 किलो हो जाएगा। तो अगर घनत्व तो की बात किया जाए तो घनत्व तो 1 ग्राम किसी चीज का घनत्व तो देखा जाए या 1000 ग्राम किसी चीज का घनत्व तो देखा जाए, हमेशा घनत्व तो सेम रहता है, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का, कह रहा है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, वही बात है घनत्व वाली समस्या। कह रहा है समुद्री पानी प्रदूषण कम होता है, गलत है। समुद्री पानी तैराक को तैरने में सहायता करती है, गलत है। समुद्री पानी घना तो साधारण पानी से ज्यादा होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा,
तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 78 नंबर। जहां भी घनत्व ज्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा कोई चीज, ठीक। करें, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? ताप, वेग, दाब, घनत्व। देखिए घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा होगा ऊपर तैरेगा, अतः वायुमंडल के घनत्व से बादलों का घनत्व जो है जो भी है जिसका अधिक रहेगा वो तैरेगा। तो बादलों का घनत्व अधिक होता है तैरती है, ठीक। करें, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये आपका रडार अटैक क्वेश्चन है। 1/10 भाग ऊपर रहता है, बाकी 9 भाग, देखिए 10 भाग में से 1 भाग ऊपर रहेगा, 9 भाग नीचे रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। ये आपको समझने के बाद ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ लेना है, याद कर लेना है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन नंबर सी है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। जब दाब बढ़ेगा तो नीचे के बांध मोटे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा जल होगा तो नीचे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो बांध की तली टूट सकती है। इसलिए नीचे दाब चौड़ा होने की वजह से, नीचे दाब ज्यादा होने की वजह से बांध को चौड़ा नीचे ज्यादा बनाया जाता है, ठीक। करेक्ट, बर्फ पर स्केटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर गलनांक, बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब भी आप दाब बढ़ाएंगे बर्फ से, इसको दबाएंगे तो गलने लगता है तेजी से, इसका मतलब उसका गलनांक घट जाता है, ठीक। अब कहीं कहीं स्टूडेंट का सस्पिशन होता है तो गलनांक बढ़ जाता है, मार लेता है, लेकिन ये राइट आंसर आपका हो जाएगा घट जाता है। जब गलनांक घटेगा तभी बर्फ जल्दी जल्दी पिघलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 82 नंबर। कह रहा है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की शांतता के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जहां भी दाब घटेगा तो पानी नाचना शुरू, फवारा नाचना शुरू हो जाएगा, ठीक। उसमें फवारा नाचने का मतलब उसमें गेंद जो होती है उसमें दाब अधिक होने से दाब, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाएगा। दाब घट जाएगा तो नाचेगी, गेंद को नचा देगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले सतह पर से पिघलता है क्यों? क्योंकि निचले सतल का तापमान अधिक होता है। तापमान से कोई मतलब नहीं है, तापमान से पिघलता है, लेकिन भारी हिमखंड की जो बात किया जाएगा तो तापमान तो ऊपर ही जाएगा, कोई भी सूर्य किरण आएगी तो, लेकिन इस तापमान से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। कारण निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ये आपका राइट फंडा है। लेकिन दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है, आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है। जब दाब कम हो जाएगा आपके शरीर पे तो आप ज्यादा बल लगाएंगे और निकल सकते हैं। इसीलिए ट्रक और टायरों पे, ट्रक के टायर जो है उनके एरिया ज्यादा होते हैं, ठीक। जिस पे ज्यादा एरिया रहेगा उस पे लगने वाला दाब कम हो जाएगा, क्योंकि दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर F अपन A। जहां A बढ़ गया यानी क्षेत्रफल बढ़ गया तो ये क्या होगा, बल घट जाएगा। या ऐसे भी कह सकते क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट जाएगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F है। तो जब हम A बढ़ाएंगे तो P घट जाएगा तो दाब घट जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपकते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। देखिए कोई भी चीज है अगर हम उसको दबा देते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो चिपक जाएगी, ये एक में मिल जाएगी, ठीक। यानी उसका ससंजक बल बढ़ जाएगा, ठीक। और ससंजक बल जो सेम पार्टिकल के मध्य लगता है, ठीक। अब देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्यों? क्योंकि छत का आकार जटिल होता है, आकार से मतलब नहीं होता है, छत एक कसकर बंधी नहीं होती है, गलत बात है, लोग बांधते भी है तभी उड़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छत के ऊपर बहने वाली उच्च दाब वेग, उच्च वेग, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। छत सतह पर क्या करती है, दाब उत्पन्न करती है, तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है।
छत के नीचे का दाब क्या होता है वो समान रहता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, क्यों? क्योंकि जिससे वह झटकों को सहित कर सके, फीस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए पट्टियां समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया दाब कम हो। ये आपका राइट आंसर है, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम करने के लिए पट्टियां लगाई जाती है, जैसे होंगे आप रेल ऐसे ऐसे लगी होती है। ठीक, तो ये जो है रेलगाड़ी जो है प्रेशर लगाएगी तो इस पटरी पर लगाएगी, इस पटरी पर लगाएगी, और ये जो पटरी है ये इसको जोड़ा हुआ है तो इस पे क्षेत्रफल कवर कर लिया इतना इतना, इसलिए वो दाब कम हो जाएगा, इसलिए वो लगाया जाता है। ठीक, इसलिए अभी भी लगाया जाता है, आप लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है, क्यों? कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। जहां भी देखिए हमारे शरीर का कोई ना कोई प्रेशर होता है, ठीक, और प्रेशर को ऊपर से वायुमंडलीय प्रेशर होता है 10^5। तो जब हमारा कोई फिक्स प्रेशर है, मान लीजिए 5 है या 10^4 है, चलिए ये मान लेते हैं वायुमंडल दाब 10^5 और हमारे शरीर का दाब मान लेते हैं 10^4, और जब ये घट जाएगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो जिसका दाब बढ़ेगा, जैसे ये दाब बढ़ेगा और वायुमंडल दाब बढ़ेगा तो हमको झटका लगेगा, चोट लगेगा या दब जाएंगे नीचे। ठीक, लेकिन जब ये बढ़ेगा 10^4 वाला हमारे शरीर का दाब बढ़ेगा तो हमारे शरीर के और बाहर का घट जाएगा, तो हमारे यानी बाहर का घट जाए या हमारे शरीर का बढ़ जाए, बातें की हुआ, तो हमारे शरीर का जब दाब सेम रहेगा बाहर घट जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर से जो है नाक से मुंह से जो भी चीजें निकलने लायक होगी तुरंत निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट लगभग 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आ रहा है, अहमदाबाद में आया हुआ है, SM में 2004 में भी आया हुआ है और पॉलिटेक्निक IIT के एंट्रेंस में पक्का आता है। ठीक, कह रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिचित रहता है, ऊपर से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अभी बताया था आपको ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम होती है, इसलिए शरीर से नाक से ब्लड आने लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m1 m2 / r² होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जितना भी r रेडियस है ये चीजें तो कंस्टेंट है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, तो अब इसको छोड़ दिए तो r² है, तो अब देखिए जी का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो 2 रहता है r² तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका काम क्या होगा? स्मॉल जी का मान जो है 2% बढ़ गया, क्यों? क्योंकि 1/r² है, तो जब नीचे की संख्या 1/2 में हो उसको हम बढ़ाएंगे या 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, जब 1/2 किसी संख्या में भाग करते हैं संख्या से बढ़ा के तो सामने वाला का मान कम होता है, तो जी का मान बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे है, अगर ऊपर रहता तो घट जाता। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर बी जो है 2% बढ़ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको बोर्ड पर इसको न्यूमेरिकल कराएंगे, फिजिक्स का तो करा देंगे। ठीक, करें तो ऊंचाइयों की जगहों पर 100 डिग्री पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उगलता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, उगलने के बिंदु नीचे आ जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल दाब कम हो जाएगा, जहां वायुमंडल दाब कम हो जाएगा तो कोई भी काम खाना पकना हो कुछ भी तुरंत होने लगता है। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। गुरुत्वाकर्षण से मतलब नहीं रहता है, परंतु भारी हवा के कारण नहीं होता है, और बाकी तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, करेक्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, वायुमंडल दाब का आधा होता है। ये साबुन के बुलबुले आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है, जब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी ये बुलबुला बनेगा। ठीक, अगर वायुमंडल दाब से कम होगा तो ये फूट जाएगा। ठीक, और जब बराबर होगा तो ये बना रहेगा। ठीक, तो आपको बताना है कि साबुन बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल दाब से अधिक होता है, अतः साबुन का बुलबुला बनता है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री लेकर के, तब तक एंजॉय।